press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi everyone, my name is Alok and welcome to Amplify Learning. So, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में से एक टॉपिक दैट इज लीनियर इनइक्वेशंस. सो लीनियर इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा एक तरीका जिसकी हेल्प से आप लीनियर इनइक्वेशंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो. कई बच्चों को इस वाले टॉपिक में बहुत ही दिक्कत होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी एंड आप बहुत ही आसानी के साथ लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे. तो हर साल बोर्ड के पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इससे आते ही आता है और ये 3 से 4 मार्क्स तक का हो सकता है. एंड अगर आप ये टॉपिक पक्का कर लेते हो तो आपके 3 से 4 मार्क्स तो पॉकेट में आ जाएंगे. सो गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो. एंड अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए. तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो बात करें अगर लीनियर इनइक्वेशंस की, सो लीनियर इनइक्वेशंस बेसिकली एक तरह के इक्वेशन ही हुआ, लेकिन वहाँ पे इक्वेशन में इक्वल टू को हटा के, जब हम इक्वल टू को हटा के इक्वेशन में से लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू या फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू का यूज़ करते हैं, इन चारों ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन इक्वेशन ना रह के क्या बन जाती है, इन इक्वेशन. बिकॉज हमने इक्वालिटी को हटा दिया, हमने इक्वल टू को हटा दिया एंड इन इक्वालिटी को वहाँ पे एक्सप्रेशन में ले आए. तो इसलिए ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इन इक्वेशंस बोलते हैं. तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा. तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिकली अगर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है तो आप इन इक्वालिटीज़ को भी बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो. देखो कैसे. सो यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन. सो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, दैट एक इन इक्वेशन दिया होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इन इक्वेशन, एंड इसे हमें सॉल्व करके एक्स का कुछ वैल्यू निकालना होगा एंड वो भी जो रेंज आएगा आपका लास्ट में एक्स का, उसे हमें एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा एंड प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन. तो इस इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिकली एक इन इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे 2 इन इक्वेशन ऐसे कंबाइन करके आपको दे दी जाती हैं क्वेश्चंस में. तो यहाँ पे ऐसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है, दो तरीके हैं, या तो आप सारा कुछ साथ लेके चलो, बट यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आसान वाला तरीका बताऊंगा एंड ये बोर्ड में एक्सेप्टेबल है, तो चिंता मत करना, ये बोर्ड में आप ऐसे कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में. तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम ये इन इक्वेशन उतार लेंगे, इसके बाद आप इस इन इक्वेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो. पहले इतना पार्ट, एक पार्ट, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 11x-4 इज लेस देन, सिंबल्स देखो वही लिखना, लेस देन इक्वल टू मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा, प्लस 15x+4. ये हो गया हमारा एक इन इक्वेशन, हमने इसको अलग कर लिया. देन आगे वाले पार्ट को इसको हम अलग इन इक्वेशन में लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा 15x+4 इज लेस देन इक्वल टू 13x+14 एंड x इज अ होल नंबर या x बिलोंग्स टू होल नंबर, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे. तो चलो ये हमारी 2 इन इक्वेशन अब आ गई अलग अलग, अब थोड़ा सिंपल हो गई. एक इन इक्वेशन में देखो एक ही आपका साइन है, यहाँ पे इस वाले में भी एक ही आपका साइन है, तो इनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है. तो देखो अब हमें इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो उसी तरह आप इसको सॉल्व कर दो. देखो 11x को इस साइड ले आओ, 4 को इधर ले आओ, ये 4 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, एंड ये 11x इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 11x इधर पॉजिटिव का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का. सो 15x-11x, देख लो 4 आप सिंपली इधर ले आए तो ये 4 प्लस का था माइनस का हो गया, 11x इधर गया, ये इधर प्लस का था, ये इधर हो जाएगा माइनस का. तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 15x-11x विल बी इक्वल टू 4x, इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस माइनस आर एडेड विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 8. तो यहाँ पे 4 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो या 4 आप इधर ले आओ डिवाइड में, सो ये हो जाएगा -8/4 इज लेस देन x. तो यहाँ पे इनको आप कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा -2. सो यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया. अभी हमें सॉल्व करना है इसी इक्वेशन को, तो इतना पार्ट आपको समझ में है, आप एक बार पॉज करके इसको देख लो क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी किया है, तो आप एक बार देख लो इसको. अगर किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना और बाकी मैं वहाँ पे आपको दिक्कत सॉल्व कर दूँगा आपकी. चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं. तो इस इन इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं. देखो 15x है, इधर 13x है, 13x को इधर ले आओ एंड 15x में से माइनस कर दो. तो 13x इधर पॉजिटिव था, तो ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13x,
एंड साथ ही साथ प्लस का 4, ये इधर इसका कोई काम नहीं है, इसको आप इधर साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा, इधर प्लस का 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 14। तो इस 4 को हम इस साइड ले आए, 13x को हम इस साइड ले आए, साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि इक्वेशन में होता है उसी तरह इन इक्वेशन में भी यही होगा। आप माइनस कर लो इसको, ये हो जाएगा 15x माइनस 13x दैट इज इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 10। सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। आप 2 को इधर ले आओ, चलो स्टेप कर देता हूँ मैं, 2 को आप इस साइड ले आओगे तो 10 अपॉन 2 हो जाएगा। सो फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5। सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमारे दो रिजल्ट आ गए। तो देखो, इतना करने के बाद में आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इन दोनों रिजल्ट्स को आप एक साथ लिख दो। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे है माइनस 2 से एक्स बड़ा है एंड यहाँ पे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हमने दोनों रिजल्ट को यहाँ पे एक साथ ऐसे लिख दिया। तो देखो, ये तो आ गया हमारा आंसर, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें एक चीज़ दी थी दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, दैट होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग जो होगी एक्स की वो कहाँ से होगी, 0 से होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेंज आया है वो क्या आया है, दैट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स तो एक्स में आ ही नहीं सकते ना, बिकॉज हमसे शुरुआत में ही कह दिया गया था दैट एक्स इज अ होल नंबर। सो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, एक्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक्स में आपके नंबर आएंगे सिर्फ 0 के बाद वाले, यानी 0 से लेके आगे वाले नंबर। तो देखो, एक तो 0 आ जाएगा, ठीक, 1, 2, 3, 4 और 5 से छोटे नंबर आपके सारे थे, 5 तक भी थे, लेस देन इक्वल टू 5 है, और 5 तक आपका आ जाएगा एक्स के वैल्यूज। तो ये आ जाएंगे आपके x के सारे वैल्यूज, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेंगे बिकॉज स्टार्टिंग में हमें मेंशन कर दिया गया था दैट x बिलोंग्स टू ओनली होल नंबर्स। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा लास्ट में कि x आपका किस वाली कैटेगरी में लाए कर रहा है। तो ये आ गया हमारे सेट, ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेट नंबर्स का। अब इसी को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। छोटे क्लास में आपने अगर ध्यान दिया होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो नंबर लाइन भी आपको पढ़ाया जाता था, नंबर्स को एक लाइन पे ऐसे प्लॉट कर देना। तो इन नंबर्स को आपको बस एक लाइन पे प्लॉट कर देना है। सो नंबर लाइन आप कैसे बनाओगे, एक ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर दो एंड इसमें बस आप सीक्वेंस में सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दो। 0 से लेना है तो 0 से एक कम वाला भी ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमने सारे नंबर ले लिए। अब इसमें से हमारे सेट में कौन कौन से नंबर्स हैं उनको हम ब्लैक पेन से या आप नॉर्मल ब्लू पेन से भी एक उस पर डॉट लगा सकते हो। तो 0 से स्टार्टिंग करना है हमें सेट का, तो 0 पे हमने डॉट लगाया, 1 भी हमारा है सेट में, 2 वाला भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है। तो 5 तक, क्योंकि 5 भी इन्वॉल्व था यहाँ पे, क्या था, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब लेस देन भी है और 5 के इक्वल भी है, तो यहाँ पे 5 को भी हम ब्लैक डॉट से मार्क कर देंगे। तो हमने इन सारे नंबर्स को, यानी एक्स की ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। इस नंबर लाइन के नीचे आप अपना सॉल्यूशन सेट लिख दो, एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार हम लिख चुके थे बट हमने फिर से लिख दिया, तो इसी को हम लिख देंगे। सो द नंबर लाइन इज एंड ये हमारा हो गया नंबर लाइन। सो कुछ इस तरह हम सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। सो इन इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले हम उनको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग इस तरह, उसके बाद लेफ्ट वाला हिस्सा हम इस तरह सॉल्व करेंगे, राइट वाला हिस्सा हम इस तरह सॉल्व करेंगे, हमारी दो वैल्यूज आएंगी। अब दो वैल्यूज आने के बाद में हम दोनों को एक साथ ऐसे लिख देते हैं, देन लास्ट में बस एक चीज़ आपको और चेक करनी होगी कि आपकी जो रेंज आई है और आपको जो शुरुआत में दिया गया था दैट एक्स बिलोंग्स टू किस कैटेगरी में एक्स लाई कर रहा है, अगर वो दोनों सेम है तब तो ठीक है, बट अगर आपका एक्स का वैल्यू शुरुआत में कुछ और बता दिया गया था लाइक एक्स इज अ होल नंबर, तो आपको अपने फाइनल सोल्यूशन में से नेगेटिव नंबर्स हटाने भी होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा एंड इतना करने के बाद में आप अपना फाइनल सेट लिख लो, उसके बाद उसको नंबर लाइन पे बस प्लॉट कर दो। तो कुछ इस तरह हम करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग चाहो तो पॉज करके इसको देख सकते हो यहीं पे। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इन ऑन अ नंबर लाइन। सो क्वेश्चन इज सेम, बस इन इक्वेशन आपका चेंज हो गया है इस बार। सो इन इक्वेशन इज -3x-7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
15 माइनस 7x इज ग्रेटर दैन x प्लस 1 डिवाइड बाय 3। एंड इस बार हमें दिया गया है दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, इसकी भी बात हम लास्ट में करेंगे। पहले तो बात ये आती है कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो अगेन वही तरीका लगाएंगे, इतने पार्ट को अलग कर लेंगे एंड इतने पार्ट को अलग कर लेंगे एंड अलग अलग करके हम सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो, मैंने पिछले वाले पार्ट में तो आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, आप चाहो तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो एंड इतने पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो एंड फिर बाद में चेक करना कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इस इन इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। इतना पार्ट हमने अलग कर लिया एंड यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फिर इतना पार्ट हम अलग कर लेंगे आगे का हिस्सा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन x प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो हमने दो पार्ट्स में इस इन इक्वेशन को ब्रेक कर लिया, इतना अलग एंड इतना हिस्सा अलग। अब हम अलग अलग इनको सॉल्व करके x की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, ये आ जाएगा माइनस 3x एंड माइनस 3 इंटू माइनस 7 करोगे हो जाएगा प्लस का 21। माइनस 3 इंटू माइनस 7 इज 21 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। अब हमें सॉल्व करना है थोड़ा सा इसको, तो देखो आप 7x को इस साइड ला सकते हो एंड 21 को इस साइड ला सकते हो, तो 7x माइनस 7x है यहाँ पे, इसको आप अगर इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x, ऐसे ही लिख लेते हैं। माइनस 7x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन नहीं चेंज होगा ध्यान रखना, साइन ऐसे ही रहेगा, बस माइनस 7x इस साइड आ जाएगा और माइनस था इधर तो इधर आके वो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस के 21 को आप इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 15 माइनस 21, प्लस का 21 था इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। इक्वेशंस में आप करते हो इस तरह सॉल्व, तो यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर लो, आप इस साइड लेफ्ट साइड इन दोनों को ऐड कर लो, तो प्लस 7x माइनस 3x कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 इज 4 एंड साइन किसका लगेगा बड़ी वाली वैल्यू का, तो 4x आ जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 21। अगेन ये प्लस का वैल्यू है माइनस का वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस एंड बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा माइनस, तो दोनों को माइनस कर लो, 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। सो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 बाय 4। तो इनको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1.5। सो फाइनली एक वैल्यू हमारा क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.5। अभी हम सॉल्व करते हैं इस साइड वाले इन इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे भी पहले आप एक काम करो, यहाँ पे फ्रैक्शन में 3 है, इसको इधर साइड लाके मल्टीप्लाई कर लो, देखो इधर पूरे के डिवाइड में 3 है तो इसको इधर साइड लाके मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। सो 3 इधर से डिवाइड से आके इधर मल्टीप्लाई में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 15 माइनस 7x। अभी 3 इधर से हट चुका है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x प्लस 1, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन वाली चीज़ें देखो हम कर रहे हैं अभी तक, यहाँ पे अब 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 माइनस 7 3 जा 21 x इज ग्रेटर देन x प्लस 1। अभी आपको बस सॉल्व करना है, तो माइनस 21x को इस साइड ले आओ, 1 को इस साइड ले आओ, तो 45 1 इधर पॉजिटिव का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 1 इज ग्रेटर देन x, ऐसे ही रहेगा, इसको तो हम कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, हम बस माइनस 21x को इस साइड ला रहे हैं, तो माइनस 21x इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का 21x, इधर माइनस का है इधर जाके वो ऐड हो जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 45 माइनस 1 ये कितना बचेगा 44 इज ग्रेटर देन x प्लस 21x, ये कितना हो जाएगा 22x। अब 22 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ में, इसको आप इधर डिवाइड में ले आओ, सो ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 22 इज ग्रेटर देन x। इन दोनों को कैंसिल करोगे आप तो ये हो जाएगा 22 टू ज़ा 44। सो यहाँ पे फाइनली हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं आगे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन x, सो x इज लेस देन 2 हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे लिखो या फिर और ऐसे लिख सकते हो, x इज लेस देन 2, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई x इज लेस देन 2। सो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आई, एक आई x इज ग्रेटर देन माइनस 1.5 एंड एक आई x इज लेस देन 2। तो इन दोनों वैल्यूज को देखो एक साथ कैसे लिखा जाएगा, पहले आप कम वाली वैल्यू लो, दैट इज दिस, सो माइनस 1.5 इस साइन को उल्टा कर दो, ऐसे लिख दो,
एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको पूरा ऐसे पलट दो, उल्टा करके देखो, माइनस 1.5 इज लेस देन इक्वल टू x, तो माइनस 1.5 इज लेस देन इक्वल टू x, या फिर x इज ग्रेटर देन माइनस 1.5, यही है, यही कहने का तरीका है। आगे x इज लेस देन 2, आगे लेस देन 2 लगा दो, तो ये आ गया हमारा x का रेंज। हमने दोनों वैल्यूज को बस एक साथ एक इन इक्वेशन में फिर से लिख दिया, पहले हमने बड़े से इन इक्वेशन को अलग अलग किया, अलग अलग सॉल्व किया, बाद में दोनों का रिजल्ट कंबाइन करके यहाँ पे देखो लिख दिया। अब बस लास्ट का हमारे पास ये रह जाता है कि हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। सो नंबर लाइन कैसे बनेगा इसका, अब यहाँ पे ध्यान ही देना कि यहाँ पे क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर में होल नंबर की तरह हम कुछ एक्सक्लूड नहीं करते हैं, रियल नंबर्स आर ऑल दी नंबर्स, उसमें माइनस के भी नंबर आ जाते हैं, उसमें पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, उसमें फ्रैक्शन भी आते हैं, सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे इसका जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे पहले हम नंबर लाइन बना देते हैं, एंड ये वाली वैल्यू तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे जिस वैल्यू से ये लेस देन और ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से 2 से, 2 उसके बाद 1, सॉरी माइनस का 2 माइनस का 1, फिर 0 देन 1 देन 2 एंड एक और आगे वैल्यू ले लेते हैं 3 तक, बिकॉज 2 तक है तो 3 तक ले लेते हैं वैल्यू। इसके साथ साथ हमें माइनस 1.5 भी चाहिए, तो माइनस 1.5 कहाँ होगा, माइनस 1 और 2 के बीच में कहीं यहाँ पे, तो इसको भी लेबल कर लेते हैं माइनस 1.5। अब देखो इतना तो हमने कर लिया, अब इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे सेट में लाई कर रही हैं। तो यहाँ हम सेट तो नहीं बना सकते, बिकॉज मैंने बताया कि रियल नंबर में सारी वैल्यूज आएंगी, रियल के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, रियल नंबर्स में सारी वैल्यूज आती हैं, पॉइंट वाली भी फ्रैक्शन वाली भी, तो हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज को सेट के अंदर बता पाएंगे। तो हमारा रेंज यही हो जाएगा, बस इसको अब नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करेंगे ध्यान देना। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.5, तो यानी माइनस 1.5 वैल्यू है हमारे सेट में, ठीक है, तो इसको हम ब्लैक डॉट से एनसर्किल कर देंगे और डॉट ये पूरा अंदर तक फिल कर देंगे, इसको फिल डॉट यहाँ पे बनाएंगे। फिर बात करें x कहाँ तक जा रहा है, x इज लेस देन 2, 2 से x कम है, तो यहाँ पे अब ध्यान देना 2 वैल्यू से कम x की सारी वैल्यूज है, मतलब x 2 नहीं है बट 2 से जस्ट पहले वाली सारी वैल्यू x में है। तो यहाँ पे जब 2 पे हम निशान लगाएंगे, 2 पे हम ऐसे सिर्फ खाली सर्किल लगाएंगे या ब्लैंक सर्किल लगाएंगे, तो जो सी वैल्यू इंक्लूडेड होती है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, तो इसको हमने ब्लैक डॉट से करा और उस पर फिल भी कर दिया अंदर, लेकिन x इज लेस देन 2 है तो यहाँ पे हम बिना फिल्ड वाला डॉट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, हॉलो डॉट लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद क्योंकि x आपका पूरी रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पूरी लाइन को ऐसे बीच में ब्लैक उससे पेन से आप ऐसे पूरा डार्क कर दोगे, आप स्केल का वहाँ पे यूज़ कर लेना, तो ऐसे आपको मार्क करना होगा नंबर लाइन को, ठीक है। ये कब करते हैं, ये सिर्फ हम करते हैं जब हमारा x रियल नंबर होता है तब, बिकॉज रियल के केस में आपका पूरा रेंज ही कहीं ना कहीं आंसर हो जाता है, यहाँ पे आप पॉइंट्स के वैल्यू नहीं बता सकते ना बीच के, तो रियल के केस में, रियल नंबर्स के केस में आपको नंबर लाइन कुछ ऐसे बनाना होगा। ध्यान देना जिस तरफ आपका लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मतलब वो भी पार्ट इंक्लूसिव होगा, वहाँ पे आपको ऐसे फिल्ड डॉट बनाना होगा, एंड जहाँ पे आपका सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल होगा वहाँ पे आपको ऐसे ओपन डॉट बनाना होगा या हॉलो डॉट बनाना होगा, अंदर से हॉलो होगा वो। तो कुछ इस तरह हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप एक बार देख लो, एंड यहाँ पे फाइनली आपको सॉल्यूशन सेट लिख देना होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड रेंज क्या है x का, माइनस 1.5 से लेके लेस देन 2 तक, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट, ये आप नीचे लिख दोगे एंड लिख दोगे हेंस द नंबर लाइन फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशन इज दिस। सो कुछ इस तरह सॉल्व हो गया अगला क्वेश्चन, आप पॉज करके देख लो इसको। सो आई होप अभी आपको लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा, तो चलो अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन, एंड द इन इक्वेशन इज माइनस 8 होल 1/2 इज लेस देन माइनस 1/2 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 7 होल 1/2, एंड यहाँ पे है x बिलोंग टू इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स में आपके सारे फुल कंप्लीट वाले नंबर्स आते हैं सिर्फ, बट माइनस और प्लस दोनों वाले, ठीक है, मतलब माइनस 1 माइनस 2 भी आएगा एंड प्लस 1 प्लस 2 एंड सो ऑन भी आएगा, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना इसमें। तो चलो अभी इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, एंड आप लोग चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो पहले, एंड उसके बाद अपना आप आंसर यहाँ से मैच करके देख लेना। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहली चीज़ हम इसी इन इक्वेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो सबसे पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, माइनस 8 होल 1/2 इज लेस देन माइनस 1/2 माइनस 4x, इतना हिस्सा अलग कर लिया हमने,
इतना हिस्सा अलग कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू माइनस फोर एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन होल वन बाय टू। आप सॉल्व कर लो दोनों साइड, पहले इस साइड सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा, देखो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो एट टू ज़ा सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन, तो माइनस सेवनटीन बाय टू इज लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू माइनस फोर एक्स। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो बस। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप माइनस फोर एक्स को इस साइड ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड माइनस सेवनटीन बाई टू को इस साइड ले आओ तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ। देखो पहले माइनस फोर एक्स को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, फोर एक्स इज लेस देन माइनस वन बाय टू, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस सेवनटीन बाय टू, इधर आके हो जाएगा प्लस सेवनटीन बाय टू। अब यहाँ पे एलसीएम तो सेम ही है, देखो डिनोमिनेटर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो आप, ये हो जाएगा, पहले इधर लिख देते हैं, फोर एक्स इज लेस देन, यहाँ पे सिंगल लाइन के नीचे टू लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन प्लस सेवनटीन, तो इनको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस सेवनटीन, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस के बाद बड़ी वैल्यू आपकी प्लस सेवनटीन है तो प्लस का साइन लगेगा, तो ये आ जाएगा फोर एक्स इज लेस देन, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सिक्सटीन बाई टू, सिक्सटीन बाई टू कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा एट, तो ये आ गया एक्स इज लेस देन एट, और ये फोर जो था यहाँ मल्टीप्लाई में, ये मैं इधर डिवाइड में लगा देता हूँ, देख लो एट था ना यहाँ पे, तो फोर इंटू एक्स था, ये फोर इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं बाद में इधर डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो ये एट बाय फोर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, फोर टू जै एट, सो एक्स इज लेस देन टू, तो एक हमारा क्या आ गया यहाँ पे आंसर, एक्स इज लेस देन टू। अभी सॉल्व करते हैं इस वाले इन इक्वेशन को, तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो तो सबसे पहली चीज़ इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, सो ये हो जाएगा, ये ऐसे ही लिख लिया हमने, इस लेस देन इक्वल टू सेवन टू ज़ा फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, तो फिफ्टीन बाय टू, ठीक है, अगेन यही काम, फोर एक्स को इधर ले आओ, फिफ्टीन बाय टू को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू माइनस फिफ्टीन बाय टू इज लेस देन इक्वल टू फोर एक्स, फोर एक्स माइनस का था, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, फिफ्टीन बाय टू इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है, नहीं होता तो एलसीएम ले लेते, बट यहाँ सेम है तो इनको सॉल्व कर लो, टू कॉमन ले लिया हमने, ये आ जाएगा माइनस वन माइनस फिफ्टीन इज लेस देन इक्वल टू फोर एक्स, ऐड कर लो इनको, माइनस माइनस आर एडेड विद माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का सिक्सटीन, देन माइनस का सिक्सटीन डिवाइड बाय टू कितना आ जाएगा एट, और माइनस का एट, माइनस का सिक्सटीन डिवाइड बाय टू इज माइनस एट, तो ये आ जाएगा इज लेस देन इक्वल टू फोर एक्स। अब फोर इधर मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, तो फोर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एट बाय फोर इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो इसको आप कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका एक और सॉल्यूशन, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, या फिर माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ये आपके आ गए दोनों सॉल्यूशंस। अब इनको एक साथ आप लिख दो, तो एक साथ कैसे लिखोगे, पहले कम वाला वैल्यू यानी कि ये, तो ये आ जाएगा माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इससे बड़ा है एंड एक्स इज लेस देन टू, सो यहाँ पे हमने दोनों को बस मिला के लिख दिया, माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन टू, तो दोनों सोल्यूशन हमने मिला दिए एंड फाइनली हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आ गया है। बस हमें करना क्या है, लास्ट काम इसको नंबर लाइन पे बना देना है, तो इसको नंबर लाइन पे मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का रेंज क्या है, एक्स माइनस टू से स्टार्ट होगा एंड माइनस टू हम लेंगे बिकॉज हमारे सोल्यूशन में इंटीजर्स हैं, माइनस टू से लेके प्लस टू तक के आपके सारे नंबर्स इसमें होंगे, लेकिन कौन कौन से, सिर्फ होल नंबर्स, बिकॉज आपका यहाँ पे इंटीजर आया है, इंटीजर में पॉइंट वाले नंबर नहीं लेते हैं हम सिर्फ प्लस माइनस के सारे नंबर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे x में क्या क्या आ जाएगा, देखो x में इस बार आएगा माइनस टू कॉमा माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा वन, बट टू नहीं आएगा, ध्यान देना, टू यहाँ पे टू से कम वाले सारे नंबर्स आपके यहाँ पे हैं, तो टू को नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो सिर्फ आपके इतने ही नंबर्स इसमें आएंगे, तो इन्हीं को नंबर लाइन पे आपको प्लॉट कर देना है, तो नंबर लाइन एक बना देंगे ऐसे, इसके बाद माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू। अब यहाँ पे जितने नंबर्स आपके यहाँ पे आ रहे थे, एक और ले लेते हैं जो थ्री, तो जितने नंबर्स आपके यहाँ पे आ रहे थे उनको आप मार्क कर दो बस, कौन कौन से नंबर्स हैं, माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन, सो दिस विल बी द नंबर लाइन फॉर दिस इन इक्वेशन। तो इस इन इक्वेशन को देखो हमने सॉल्व कर दिया एंड इसका नंबर लाइन भी बना दिया है, एंड आप चाहो तो इसका सोल्यूशन सेट नीचे एक बार लिख दो, यही है आपका सोल्यूशन सेट, यही चीज़ आप यहाँ नीचे लिख दो, या फिर ऐसे बता दो x belong to i, comma, minus 2 is less than equal to x is less than 2,
ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन सेट, एंड जो इसके ऊपर बना है वो है हमारी नंबर लाइन। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो गाइज, ये था इनइक्वालिटीज के ऊपर वीडियो। अभी एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप चाहो तो उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा दैट लीनियर इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।